तो अभी नॉइज़ बर्ड सोलो हाल ही में लॉन्च हुए थे, मैंने उनको यूज़ किया, उनका रिव्यू किया, बट आज इस वीडियो में मैं कंपेयर करने वाला हूँ उनको एनको W51 के साथ, जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है अंडर 5000 रुपीज़। एंड इस वीडियो में आपको क्लियर कट आइडिया हो जाएगा कि आपको कौन से वाले ईयरफोन्स खरीदने चाहिए इन दोनों में से, ठीक है। सो मेरा नाम है ADP, आप लोग देखें रिव्यू शिव्यू, एंड विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स जस्ट डाइव इनटू द वीडियो। दोनों ही TWS के बेस्ट बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाले हैं, जो कि लाइक बटन और सब्सक्राइब बटन के नीचे है। एंड दोनों की जो प्राइस है वो 5000 के आसपास है। सोलो 5500 के बिक रहे हैं अभी अमेजोन पे, लेकिन मैंने उनको 5000 रुपीज़ में ख़रीदा था। एंड एनको W51 सिंस बिगनिंग 5000 रुपीज़ में ही मिल रहे हैं, एंड उनको भी मैंने 5000 रुपीज़ में ही ख़रीदा था। एंड दोनों पे आपको एक साल की वारंटी मिल जाती है। अब बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी एंड डिज़ाइन के बारे में, एंड केस के बिल्ड क्वालिटी एंड डिज़ाइन के बारे में। तो दोनों के केस अच्छे हैं, एंड आपको LED इंडिकेटर एंड टाइप सी पोर्ट मिल जाता है, लेकिन एनको W51 में आपको वायरलेस चार्जिंग भी मिलती है, जो कि आपको सोलो में नहीं मिलती है, सोलो के केस में नहीं मिलती है। बट सोलो का जो केस है वो बहुत ज़्यादा अच्छा दिखता है, एंड बेस्ट लुकिंग केस है ये अंडर 5000 रुपीज़ फॉर श्योर। सो दोस्तों, ओवरऑल केस मुझे सोलो का ज़्यादा पसंद आया, ज़्यादा स्टर्डी फील होता है एंड ज़्यादा स्टाइलिश भी फील होता है। एंड उसके बाद अगर मैं बात करूँ ईयरबड्स के बारे में, तो यहाँ पे भी जो सोलो का डिज़ाइन है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, कॉपीड है बट काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखता है। एंड आप कहीं पे भी इनको पहन के जाओगे, लोग नोटिस ज़रूर करेंगे। ऑन दी अदर हैंड जो W51 है उनका डिज़ाइन बहुत बढ़िया है, एंड वो भी हल्के से कॉपीड हैं बट वो भी स्टाइलिश दिखते हैं, लेकिन लुक्स वाइज मुझे सोलो ज़्यादा पसंद है। लेकिन यहाँ सिर्फ लुक्स के ऊपर ध्यान नहीं देने वाले हम लोग, डिज़ाइन के बारे में बात करते हैं। सो जो एनको W51 है उनमें आपको 7mm के ड्राइवर्स मिल जाते हैं, एंड उनमें आपको IP54 की रेटिंग भी मिलती है। जो नॉइज़ बर्ड सोलो हैं उनमें आपको 10mm के ड्राइवर्स मिलते हैं, एंड कोई भी IP रेटिंग ऑफिशियल वेबसाइट पर मेंशन नहीं है, वहाँ पर सिर्फ लिखा है स्वेट रेजिस्टेंट, दैट्स इट। लेकिन दोनों में आपको वेयर डिटेक्शन एंड टच जेस्चर्स वाले फीचर्स मिल जाते हैं। जो W51 है उनमें जो टच जेस्चर्स या कह सकते हो टच कंट्रोल्स हैं वो ज़्यादा एक्यूरेट लगे मेरे को, लेकिन बहुत ही कम फीचर्स मिलते हैं आपको, लाइक सॉन्ग्स चेंज करना, कॉल को आंसर एंड या रिजेक्ट करना, एंड जो स्मार्ट असिस्टेंट है उसको वेक करना। जो बर्ड सोलो है उनमें जो टैपिंग है वो इतनी ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है, कह सकते हो सेंसिटिव नहीं है टच जेस्चर्स में, लेकिन फीचर्स ज़्यादा हैं, लाइक आपको वॉल्यूम कंट्रोल भी मिल जाता है, जो कि आपको एनको W51 में नहीं मिलता। बाय द वे, दोनों ही TWS में आप टच कंट्रोल के थ्रू ANC मोड को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कर सकते हो, एंड ट्रांसपेरेंट मोड के बीच में भी टॉगल कर सकते हो। सो ये सारी चीज़ें मिल जाती है। वेयर डिटेक्शन अगेन एनको W51 में थोड़ी बेटर लगी मेरे को, अगर मैं कंपेयर करूँ इसको नॉइज़ बर्ड सोलो के साथ। एंड उसके बाद अगर मैं फिट और कंफर्ट की बात करूँ, तो मुझे एनको W51 ज़्यादा बेटर वे में फिट भी होते हैं, ज़्यादा कंफर्टेबल लगते हैं। सोलो मेरे को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल ज़रूर लगते हैं, लेकिन वो मेरे को इतने ढंग से फिट नहीं होते, फिसल जाते हैं। सो ओवरऑल जो बिल्ट एंड डिज़ाइन है, लुक्स वाइज तो मेरे को सोलो पसंद है, लेकिन कम्प्लीटली अगर देखूँ तो मेरे को एनको W51 थोड़े से बेटर लगे। लेकिन ये जो फिट एंड कंफर्ट वाली चीज़ है ये कम्प्लीटली सब्जेक्टिव है, शायद आपको बर्ड सोलो ज़्यादा बेटर वे में फिट हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी की अगर बात करूँ तो दोनों ही बहुत ज़्यादा स्टेबल थे थ्रू आउट द टेस्टिंग प्रोसीजर, एंड जैसे केस को आप ओपन करते हो तुरंत आपके फ़ोन के साथ कनेक्ट हो जाते हैं दोनों में ही, लेकिन आपको मल्टीपल डिवाइसेस का सपोर्ट नहीं मिलता, मतलब एक बार में आप एक ही डिवाइस के साथ कनेक्ट कर सकते हो। फर्दर दोनों ही जो डिवाइसेस हैं वो AAC एंड SBC कोडे को सपोर्ट करते हैं। दोनों ही TWS को आप मोनो मोड में यूज़ कर सकते हो। एंड अगर रेंज की बात करूँ तो यहाँ पे मेरे को एनको W51 हल्के से बेटर लगे, जबकि ऑन पेपर्स दोनों में सेम रेंज लिखी हुई है, बट प्रैक्टिकल यूज़ में एनको W51 मेरे को रेंज में बेटर लगे। सो कनेक्टिविटी के बाद अब बात करते हैं ऑडियो क्वालिटी के बारे में। एनको W51 में जो ऑडियो सिग्नेचर है वो बहुत ही ज़्यादा वेल ट्यून्ड है, मतलब आप ट्रेबल की बात कर लो, वोकल्स की बात कर लो या बेस की बात कर लो, तीनों ही चीज़ बहुत अच्छी है। बेस काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी थम्पी है, लेकिन हाईएस्ट वॉल्यूम पे बेस हल्का सा क्रैकल करता है, एंड ये बहुत रेयरली होता है, हमेशा नहीं होता। ऑन दी अदर हैंड जो हमारे पास सोलो हैं वो भी बहुत ही बढ़िया तरीके से वेल ट्यून्ड है, लेकिन इनका साइज़ जो है ड्राइवर का वो बड़ा है, दैट इज़ 10mm, एंड एनको W51 में 7mm का मिलता है। डिस्पाइट दिस फैक्ट एनको W51 ज़्यादा लाउड भी हैं, एंड बेस भी मेरे को उनमें हल्की सी बेटर लगी। सो इससे ये बात ही साबित होती है कि ड्राइवर साइज़ डजंट मैटर मच।
ठीक है, जो लोग सोचते हैं कि ज़्यादा बड़ी ड्राइवर मतलब ज़्यादा बेटर ऑडियो आउटपुट, ये सच्चाई नहीं है। लेकिन सोलो में जो ऑडियो आउटपुट है वो बहुत ही बढ़िया है, रिलेटिवली एनको W51 बेटर है। बट सोलो भी अगर आप यूज़ करते हो म्यूज़िक वगैरह के लिए, आप डिसअपॉइंटेड नहीं होगे। इनमें कमी लगी मेरे को, लाउडनेस कम है, लेकिन इसकी एक अच्छी चीज़ ये है कि हाईएस्ट वॉल्यूम पे ये डिस्टॉर्ट नहीं होते हैं, अनलाइक W51। सो दोस्तों, ये मैं बात कर रहा था नॉर्मल मोड में, जो आप ऑडियो वगैरह सुनते हो, म्यूज़िक वगैरह सुनते हो। जब आप ANC ऑन करते हो तो आपको W51 मच बेटर लगने वाले हैं, क्योंकि ये एग्रेसिव नहीं है। मतलब इनमें जो ANC है वो बहुत ही स्मूथ एंड सेटल वे में काम करती है, बहुत ही एग्रेसिवली काम नहीं करती। एंड सेम वे जो सोलो है उनमें भी एग्रेसिवली नहीं काम करती, बट जो W51 है वो ज़्यादा स्मूदर है इन टर्म्स ऑफ ANC। एंड मेरे को उनका ANC ज़्यादा पसंद आया, दो सेम अमाउंट ऑफ नॉइज ही कैंसिल करते हैं, दैट इज़ 35 dB, लेकिन समहाउ आपको ANC एनको W51 में बेटर लगने वाली है। सो दोस्तों, ये था ऑडियो के बारे में। अब बात करते हैं लेटेंसी के बारे में। लेटेंसी दोनों में ही ऑलमोस्ट सेम है, काफ़ी कम लेटेंसी है, भले आप मूवीज़ देख रहे हो या गेम खेल रहे हो। सो आप गेमिंग भी कर सकते हो, मूवीज़ भी देख सकते हो, आपको दोनों ही TWS डिसअपॉइंट नहीं करने वाले हैं। सो दोस्तों, लेटेंसी के बाद अब बात करते हैं कॉल क्वालिटी के बारे में। कॉल क्वालिटी अगेन दोनों में बहुत ही बढ़िया है, एंड मैं क्लियरली बोल सकता हूँ दीज आर अमेजिंग इन टर्म्स ऑफ कॉलिंग। मतलब आप इंडोर्स में यूज़ करो इनको या आउटडोर्स में यूज़ करो, आपकी आवाज़ क्रिस्टल क्लियर वे में दूसरे इंसान तक पहुँचने वाली है, एंड जो बैकग्राउंड में नॉइज़ है उसको भी बहुत अच्छे से दोनों ही TWS कैंसिल करते हैं। सो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। एंड अगर आपको कॉलिंग के लिए ही TWS चाहिए, आप दोनों में से कोई भी एक पिक कर सकते हो, आप डिसअपॉइंटेड नहीं होंगे। सो दोस्तों, अब बात करते हैं बैटरी बैकअप के बारे में। एंड बैटरी बैकअप W51 में वीक है, क्योंकि जो नॉइज़ बड सोलो हैं वो विथ ANC ऑन एट 60-70% वॉल्यूम आपको 4 hours 40 minutes तक का बैटरी बैकअप प्रोवाइड करते हैं, एंड विदाउट ANC सेम वॉल्यूम पे आपको 6 hours 30 minutes तक का बैटरी बैकअप मिल जाता है। एंड जो केस है वो इन ईयरबड्स को 3 से 4 बार चार्ज कर सकते हैं, एंड केस को फुल चार्ज होने में 2 घंटे लगते हैं, 2 घंटे 5-10 मिनट लगते हैं। ऑन दी अदर हैंड जो W51 है उनमें विथ ANC एट 60-70% वॉल्यूम आपको 3 घंटे के आसपास का ही बैटरी बैकअप मिलने वाला है, लाइक 2 घंटे 50 मिनट 55 मिनट मैक्स, उससे ज़्यादा नहीं। एंड विदाउट ANC एट द सेम वॉल्यूम आपको ऑलमोस्ट 3.5 घंटे या कह सकते हो 3 घंटे 40 मिनट तक का बैटरी बैकअप मिलेगा। सो विदाउट ANC भी जो आपको बैटरी बैकअप मिल रहा है W51 में वो कम है अगर आप कंपेयर करोगे विथ ANC ऑन नॉइज बड सोलो। सो ये चीज़ मुझे थोड़ी ज़्यादा पसंद नहीं आई W51 की। एंड केस के थ्रू आप इन ईयरबड्स को 3 से 4 बार चार्ज कर सकते हो, और केस को फुल चार्ज करने में आपको 1 hour 20 minutes लगते हैं। सो ये थोड़े जल्दी चार्ज होते हैं क्योंकि कैपेसिटी भी कम है थोड़ी। सो ओवरऑल बैटरी बैकअप में डेफिनेटली सोलो मच बेटर है अगर मैं कंपेयर करूँ W51 के साथ। सो दोस्तों, अब मेरा फाइनल वर्डिक्ट क्या है। मेरे हिसाब से एनको W51 ज़्यादा चेकबॉक्सेस टिक करते हैं, दो एक बहुत ही मेजर ड्रॉबैक है, दैट इज़ बैटरी लाइफ। लेकिन क्योंकि जल्दी चार्ज हो जाते हैं एंड 3 घंटे काफ़ी होते हैं TWS में, अगर आपको बहुत ज़्यादा कॉलिंग वगैरह नहीं करनी है, सिर्फ मूवीज़ वगैरह देखनी है, गेमिंग करनी है, तो मैं बोलूँगा ठीक है। लेकिन बिंज वॉचिंग के लिए डेफिनेटली मैं इनको सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि बैटरी बैकअप कम है। बट ओवरऑल म्यूज़िक की बात कर लो, कॉलिंग की बात कर लो, ये मुझे हल्के से ज़्यादा बेटर लगे, एंड ANC मूड में ये डेफिनेटली मेरे को बेटर लगते हैं सोलो से। सो आई वुड गो विथ एनको W51। आप क्या सोचते हो इस बारे में कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर बताना। एंड यही थी मेरी वीडियो, आई होप आप लोगों को मैं हेल्प कर पाऊँगा आपके डिसीजन मेकिंग में इन दोनों ही ईयरफोन्स के बीच में। एंड अगर आपका फर्दर कोई भी सवाल या सुझाव है, जैसे कि बता चुका हूँ, कॉमेंट कर सकते हो। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर करना, एंड अगर आप पहली बार चैनल पर आ रहे हो तो सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाना, क्योंकि ऐसी हेल्पफुल वीडियोज़ के साथ मैं आता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, एंटिल देन over and over.